कढ़ी तो आपने बहुत बार बनाई होंगी फ्रेंड्स, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दही लिया 300 ग्राम और 4 बड़े चम्मच बेसन लिया मैंने। एक मिक्सी ग्राइंडर लिया मैंने, उसमें दही डाल दिया है और बेसन को मैं डाल दे रही हूँ। उसी में मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाला है, 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर डाला है मैंने, फिर धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है और यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच हींग ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे चीज़ को मैं ग्राइंड अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ मिक्सी में चला कर। और देखिए, मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ वो मिक्सर को और उसमें मैं उसी के साथ पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 से 5 गिलास पानी का लिया है। अब यहाँ पे मैं कढ़ी की बड़ी बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं, उसमें मैंने लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अब सारे बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। इसे हल्के हल्के हाथों से क्लॉकवाइज घुमाते रहना फ्रेंड्स, और इसी तरह इसका एक स्मूथ बैटर। इसमें मैंने सोडा या इनो का यूज़ नहीं किया है, ये ऐसे ही बहुत फूले फूले पकौड़े बनेंगे। देखिए इसका कैसे कितना स्मूथ हो गया है, ये 2 से 3 मिनट तक चलाते चलाते ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है। इसे ढककर मैं रेस्ट पे दे दूँगी। देखिए कढ़ी भी खौलने लगा है फ्रेंड्स। कढ़ी को कम से कम लो फ्लेम पे 30 मिनट तक मैं पकाऊंगी फ्रेंड्स। कढ़ी दही और बेसन जितना पकेगा, कढ़ी का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, अब उसमें मैं पकोड़े डीप फ्राई करूँगी। मैंने हाथों से छोटे छोटे पकोड़े तेल में डाल दिए हैं। देखिए ये खुद ही फूल के ऊपर आ जा रहा है, बिल्कुल देखिए कैसे फूले फूले पकोड़े बन रहे हैं ना। इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तब तक इधर मेरी कढ़ी भी उबल रही है, देखिए अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और जो भी पकोड़े में मैंने बनाया था ना वो मैं डाल दे रही हूँ। अब ये कढ़ी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब इसके तड़के की बारी है, तो तड़के के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया बड़ा चम्मच, उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया, 2 मिर्ची को मैंने तोड़ के डाल दिया और कड़ी पत्ते डाले हैं मैंने। इससे ना कड़ी पत्ते से कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। और सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसके बाद कड़ी में डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार कढ़ी तैयार है, तो आप भी ट्राई करें। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।